बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है जी बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चिकन कटलेट्स की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसके जो है इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए 1/2 kg बॉइल्ड पोटैटोज, जिनको अच्छे तरीके से मैश करके आप रख लें। और इसके साथ साथ आप ऐड करें 1 tablespoon जो है ज़ीरा, ज़ीरे से बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। 1 tablespoon सॉल्ट, नमक, और इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1.5 tablespoon पीसी हुई लाल मिर्च। 1/2 tablespoon आप इसमें डालेंगे दादर मिर्च। 1 tablespoon जो है वो सूखा धनिया डालेंगे। 1 teaspoon काली मिर्चें पीसी हुई, और अब हम इसमें कुटी हुई जो है वो धनिया और हरी मिर्च डालेंगे, जिससे जो है वो और ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से हम आपस में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है जी 1 tablespoon चाट मसाला। चलिए जी, हमारा बैटर हो गया, अब ये रेडी, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे जी चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट करके बॉईल करके रखा हुआ है, और इसके साथ साथ हम लेंगे अंडे, जिसको बॉईल करके और थिन स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ, सही जी। और हम लेंगे एक मीडियम साइज़ प्याज और एक 1/2 टमाटर, जिनको अच्छे तरीके से चॉप करके रखेंगे, और 2-3 tablespoon चिकन स्प्रेड। अब कटलेट्स बनाने के लिए पहले तो हम लेंगे थोड़ा सा आलू, ठीक है, जिसको हम हाथ पे रख के ऐसे थोड़ी सी जो है वो बाउल टाइप शेप बनाएंगे, ताकि हम उसके अंदर पूरी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने रख सकें। और इसमें रखेंगे सबसे पहले तो अंडे का स्लाइस। ये जो तरतीब है आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, और साथ ही जो चिकन मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का श्रेड करके रखा हुआ है, ठीक है, आप इसी तरह से थोड़ा सा श्रेड करके रख लीजिएगा, और फिर उसको ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो थोड़ी सी चिकन स्प्रेड। चिकन स्प्रेड जो है वो एडिशनल है, ठीक है, ये मैंने अपनी एक रेसिपी निकाली है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा मैंने डाली और मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको, आप लोगों को भी इसी तरह की रेसिपी बताती हूँ, ताकि आप लोग भी नया एक टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकें, ठीक है जी। अब हम इसको कवर करेंगे पोटैटोज़ के साथ, और इसको सही तरीके से दबा कर गोल सी शेप दे देंगे। कटलेट्स को आप इस तरीके से प्रेस करके बनाएंगे ना, तो वो फ्राई करते हुए खुलेंगे नहीं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब फ्राई करते हैं तो वो खुल जाते हैं, तो जी इस तरीके से एक तो आपने दबा के इसको राउंड सी शेप देनी है, और दूसरा जब आप इसकी कोटिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से जो है वो अंडा लगा कर करना है, ताकि ये खुले ना। ये हमारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे जी इसकी कोटिंग, जिसके लिए चाहिए 1 अदद अंडा, जिसको फेंक के अच्छे तरीके से रख लेना है, और थोड़े से रस, जिनको क्रश करके रखना है। अब हम लेंगे एक कटलेट्स, जिसको हम अच्छे तरीके से अंडे के अंदर डिप करेंगे और प्रॉपर कोटिंग करेंगे जी, ताकि फ्राई करते हुए ये खुले ना, सही है। और इनको आप रस में डिप करेंगे और सही तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे, और इसी तरह जो है हम अपने बाकी ये कटलेट्स की भी कोटिंग करके रख देंगे। हम पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जैसे ही वो गर्म होगा तो उसमें हम अपने कटलेट्स ऐड करेंगे, और इनको शैलो फ्राई करेंगे। देखिए जी, हमारे कटलेट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। जी ये देखिए जी, हमारे कटलेट्स का कलर कितना ही कोई ज़बरदस्त आया, और टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा आई एम श्योर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।